हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लाइव टॉक दुबई चैनल। दोस्तों, रेड लिस्ट वाले कंट्री में ट्रैवल करने वाले सिटीजन्स को 3 साल के लिए ट्रैवल बैन कर दिया जाएगा। हाँ, इस तरह का ही कुछ अनाउंसमेंट किया है सऊदी ने। सऊदी के तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि सऊदी सिटीजन्स अगर रेड लिस्ट वाले कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो उनको 3 साल के लिए ट्रैवल बैन कर दिया जाएगा। मतलब वो 3 साल किसी भी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। अगर कोई सिटीज़न ये रूल तोड़ता है तो जब वो रेड लिस्ट वाले कंट्री से वापस लौट आएंगे सऊदी में, तो उनको भारी जुर्माना पे करना होगा और 3 साल के लिए बैन भी हो जाएंगे और कुछ लीगल एक्शन भी उनके अगेंस्ट ले सकते हैं। मतलब रेड लिस्ट वाले कंट्री में कोई सिटीज़न ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, इस तरह का ही कुछ अनाउंसमेंट सऊदी ने किया है। तो इसका मतलब क्या है, सऊदी को पता है क्या अगले 3 साल तक ये कोरोना रहेगा? शायद उनको पता है। हाँ, ये रूल अभी सिर्फ और सिर्फ सऊदी सिटीजन के लिए बना है, रशियन के लिए नहीं। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रहा है, कुछ भी गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ये लोग कब क्या रूल बनाएंगे और किसके ऊपर लागू करेंगे तो इन लोगों को ही पता है। लेकिन मुझे लगता है इस तरह का रूल दूसरी कोई कंट्री ने नहीं बनाया अभी तक कि 3 साल के लिए ट्रैवल बैन कर दिया जाएगा अगर रेड लिस्ट वाले कंट्री में अगर कोई सिटीजन ट्रैवल करते हैं तो। मुझे तो पता नहीं है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।